अगर आपने डिस्कवरी चैनल पर मैन वर्सेस वाइल्ड देखा है और उसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मशहूर टीवी शो के होस्ट ब्रेयर गिल्स के साथ देखा है तो आप हैरान रह गए होंगे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह कौन सा रूप है। वो जिस तरह से ब्रेयर गिल्स के साथ सहज होकर उन्होंने जंगलों की यात्रा की और नदी पार की, वह सब देखकर ऐसा नहीं लगा कि ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी का एक नया रूप हमारे सामने आया है और यही वजह है कि यह कार्यक्रम जब टेलीविज़न पर आ रहा था तो ट्विटर पर मैन वर्सेस वाइल्ड यानी ये दूसरे नंबर पर पूरे विश्व में ट्रेंड करता रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरान नरेंद्र मोदी ने ग्रिल्स के साथ अपने जीवन के कई अहम किस्से भी शेयर किए। उन्होंने जो बातें उनके साथ कही वे बेहद दिलचस्प थी। मसलन उन्होंने कहा कि वे 13 साल तक मुख्यमंत्री रहे और 5 साल तक पीएम, लेकिन 18 साल में उन्होंने पहली छुट्टी ली और वह छुट्टी भी ऐतिहासिक बन गई, एक अनूठे अनुभव के रूप में बदल गई। कुल मिलाकर जिस तरह से वे इस कार्यक्रम में शामिल हुए उसको देखकर ऐसा लगा कि अभी भी नरेंद्र मोदी उतने ही सक्षम हैं और उनका दिल दिमाग खुला हुआ है। कार्यक्रम के दौरान नरेंद्र मोदी ने इस बात को जाहिर भी किया। उन्होंने कहा, जब मैं युवा अवस्था में था तब मैं हिमालय पर चला गया था और मुझे प्रकृति से प्रेम था, काफ़ी समय मैंने वहाँ पर बिताया। इस पर बेयर ने पूछा कि क्या इसका असर आपके कैरेक्टर पर पड़ा। इस पर पीएम मोदी ने कहा, आज भी वो ताकत है। बेयर ने एक मौके पर उनके पद से लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा, मेरा पद कभी मेरे सिर पर चढ़कर नहीं बोलता है, मुझे कभी यह नहीं लगा कि मैं कौन हूँ, मैं इससे ऊपर उठ चुका हूँ। इस शो की शूटिंग उत्तराखंड के जिम कार्बेट नेशनल पार्क में हुई। शूटिंग के सिलसिले में बेयर ग्रिल्स के साथ मोदी फरवरी में कार्बेट पार्क आए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कार्यक्रम में बेयर और मोदी का जो पहला टास्क नदी को पार करना होता है, लेकिन उनके पास कोई साधन नहीं रहता। ऐसे में पीएम मोदी बेयर के साथ मिलकर प्लास्टिक और कुछ बांस की छोटी बल्लियों के सहारे राफ्ट बनाकर तैयार करते हैं और फिर दोनों बैठकर उसमें नदी उतर जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि राफ्ट में बैठने की जगह एक ही व्यक्ति की थी तो उसमें नरेंद्र मोदी बैठे और बेयर उनके साथ नदी में चलता रहा और वह राफ्ट को भी आगे बढ़ाता रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे यात्रा को लेकर जो संदेश दिया, उन्होंने कहा कि प्रकृति का महत्व अपनी जगह है और उन्होंने कहा कि हमने अपने मतलब के लिए नेचर को बर्बाद कर दिया है, यह चिंता की बात है। उन्होंने यह भी कहा कि मैं लोगों को यह समझाने में असमर्थ हूँ कि नर्वस होना क्या है और इससे कैसे निपटें, क्योंकि मेरा मूल प्रकृति बेहद सकारात्मक है, मुझे सभी चीज़ों में सकारात्मकता नज़र आती है और इसी वजह से मुझे कभी निराशा नहीं होती है। उन दोनों के बीच जो बातचीत हुई उसमें कई बातें बेहद संवेदनशील भी सामने आई। जब बेयर ने मोदी से कहा कि क्या आपको आपकी माँ पर गर्व होगा, तो मोदी ने कहा, हाँ, मेरी माँ 90 प्लस है और वे आज भी अपने काम खुद करती हैं। बेयर ने यह भी उनसे पूछा कि क्या आपको प्रकृति से डर लगता है, तो मोदी ने कहा, नेचर में कोई भय नहीं होता, जब हम प्रकृति से संघर्ष करते हैं तो यह खतरनाक होता है, लेकिन हम प्रकृति से संतुलन बना लेते हैं तो वह भी हमारी मदद करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब बेयर ने एक भाला दिया और कहा कि कोई जानवर दिखे तो इसको मार दीजिएगा, तब नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसी की जान लेना हमारे संस्कार में नहीं है। इस पूरे कार्यक्रम की चर्चा पूरे देश में रही। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।